तालुका में और बुध शहर में पिछले कुछ दिनों में खूब भारी मात्रा में बरसात हुई है। इसकी वजह से अगर संख्या में कहूँ तो अब तक 38 इंच बारिश हम बुध तालुका में देख चुके हैं। खास करके जो बन्नी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ गांवों में स्थल परिवर्तित करके लोग माइग्रेट करके सेफ जगहों पे स्वयंभू खुद के खुद अपने तरीके से वहाँ आ गए हैं। ऐसे कुल स्थलांतरित परिवारों की संख्या 2000 के आसपास है। ये लोग हर वर्ष की भांति खुद अपना सामान वगैरह लेके होड़को नाम के गांव में और कुछ नखत्राणा के वंग इलाके के आसपास स्थलांतर करके वहाँ आ चुके हैं। वहाँ हमारी TDO टीम तलाटी जो हैं गांव के, इसके अलावा रेवेन्यू से मामलेदारों ने पर्सनल विजिट ली है। मैंने भी इन लोकेशन को पर्सनली विजिट किया है। हम वहीवटी तंत्र की तरफ से इन लोगों के साथ सतत संपर्क में हैं। इन लोगों को ये कहा गया है कि जब भी इनको किसी भी तरह की ज़रूरत हो ये हमें बेहिचक कॉल करें। इसके अलावा फॉरेस्ट के दो गोडाउंस वहाँ पे हैं, पास में गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं, वहाँ इनका स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया गया है रहने का कि अगर इन लोगों को कन्वीनियंट लगे, अगर इनको अनुकूल वो आता है तो उस लोकेशन पे ये लोग शिफ्ट करके वहाँ रहें और रहने खाने की सुविधा सरकार की तरफ से की जाएंगी। लेकिन अभी ये लोग जैसा हर वर्ष रहते हैं वैसा ही अरेंजमेंट करके होड़को गाँव में शिफ्ट होके आए हैं। कच्छ में हुई भीषण बारिश के कारण कच्छ का जो बन्नी इलाका है वहाँ पर जो मवेशियों का इलाका माना जाता है वहाँ पर कई गांवों के अंदर पानी घुस चुके हैं जिसके कारण गांव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो भी जितने भी गांव वाले हैं वो सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर चुके हैं, लेकिन गांव है वो लगातार बाढ़ के पानी के अंदर है। हालांकि गाँव के जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उसके ऊपर से भी बाढ़ का लगातार पानी बह रहा है। कौशिक कांडेचा, कच्छ, गुजरात तक।